सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ, मैं नामिका। बिहार में लंबे समय से खाली पड़े विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापक के पदों पर बहुत जल्द ही बहाली होगी। जी हाँ, राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कुल 52 विषयों के 4638 यानी कि 4638 रिक्त पदों पर सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सिफारिश भेज दी है। आचार संहिता से पहले निर्देश मिलने के बाद अब जो है वो आयोग जल्द ही जो भी रिक्तियाँ हैं उसको लेकर के विज्ञापन जारी करेगा। आपको बता दें कि इसके बाद अभ्यर्थी विषयवार आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही जितनी भी लंबित फाइलें थी उसका निपटारा कर माध्यमिक निदेशक के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी है। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने अधियाचना मिलने की पुष्टि की है। दरअसल आयोग लंबे समय से इंतजार में ही था कि विज्ञापन निकाला जाए। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ तो पहले से बीपीएससी से चलती आ रही बहाली प्रक्रिया पर इस साल से विराम लग गया है। अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन के बाद इसे ही सहायक प्रधानाध्यापक की बहाली का जिम्मा दिया गया है। पहली बार आयोग विज्ञापन जारी करेगा। राजभवन के निर्देशानुसार मनोविज्ञान विषय में सबसे अधिक 424 पद, अर्थशास्त्र में 368 पद, इतिहास में 316 पद, हिंदी में 292, राजनीति विज्ञान में 280, अंग्रेजी में 253, जबकि भूगोल में 142 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना की गई है। अन्य 45 विषयों में रिक्तियां 3 अंकों से कम है। सर्वाधिक 856 पदों पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बहाली होगी। बीकेएसयू आरा में 428, मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में 2, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में 381, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में 213, पटना विश्वविद्यालय में 273, तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में 276, LMNU दरभंगा में 856, BN मंजल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 377, तो KSDSU दरभंगा में 192, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 462, BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 603, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में 245, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में 319 रिक्तियां होनी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।